वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है, मैं आज जो है वो जनवरी की प्रिडिक्शंस कर रही हूँ कि आपके लिए जनवरी में क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू। पाइल नंबर वन को आप इस हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडियक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर टू है, आप ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडियक साइन से चूज कर सकते हैं। भगवान, अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका जोडियक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं जनवरी आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, किस तरीके की इवेंट कार्ड आ रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, अभी मैं आपको जोडियक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, नेक्स्ट आ रहा है द मून, ओके। नेक्स्ट है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है द फूल और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द हाई प्रिस्टेस, ओके। तो कार्ड्स अच्छे आए हैं, आप चीज़ों में मूव ऑन हो रहे हैं। मैं जोडियक साइन आपको बता देती हूँ यहाँ पे, तो पाइसिस है, जेमिनी है, एरीज है, सेजिटेरियस है और यहाँ पर कैंसर है, एक्वेरियस है, लीब्रा भी है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी सिचुएशन, आप किसी चीज़ से पास्ट में हर्ट हुए हो, अब वो ब्रेकअप भी हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है, किसी की तरफ से आपको पैसे की वजह से धोखा मिला हो, फ्रेंडशिप में धोखा मिला हो, या फिर किसी जैसे ग्रुप हो सकता है उसने बुली किया हो आपको, या आप कोई जो बैगेज है पास्ट का, या कह सकते हैं जो भी आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव सर्कमस्टांसेस बने हैं या नेगेटिव चीज़ें बनी हैं, उसको जो है आप लेकर आगे चल रहे हो, ऐसा लग रहा है आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस हो रही है। लेकिन जनवरी में जो है आप इस चीज़ को पीछे छोड़ो, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स के ठीक बाद जो है वो एट ऑफ कप्स है। जो भी आपकी पेनफुल कंडीशन है, जिस वजह से भी आप दुखी हो, परेशान हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है, दिमाग जो है ऐसा महसूस होता है कि यार रहूं ना रहूं, तो बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उस तरीके की एनर्जी आ रही है और उस चीज़ को आप पीछे छोड़ो, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, मैंने जो है बहुत सेक्रीफाइस कर लिया, मैं जो हूँ बहुत लोगों के लिए रो लिया हूँ या रो ली हूँ, जो भी आपका जेंडर हो, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे रोने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं अपसेट हूँ लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मुझे क्यों फ़र्क पड़े। और जो कि जो सोच रहे हो, जो मैंने अभी कहा है, वो जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप के साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है। दो दिन जो है वो बातचीत होगी, गॉसिप होगी, उसके बाद जो है वो मामला ठंडा है। यही जो है समाज है, यही जो है जिंदगी है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा नेगेटिव नहीं मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि ब्लंट मैं बोल देती हूँ और कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, बट चीज़ें जो शुगर कोट मैं नहीं करती हूँ, जो यूजुअली आता है मैं वही बता रही हूँ। तो यही चीज़ है, आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, आपको ये महसूस हो रहा है कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपसेट हो, आप दुखी हो, आप रो रहे हो, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं क्यों फ़र्क लूँ, जो कि सही बात है। और अब जो है आप किंग ऑफ वॉन्ड्स अपनी पावर में आ रहे हो इस जनवरी में, मिड से लेकर लास्ट तक के बीच में, तो जो है आप इस तरीके की पावर में आ जाओगे कि यार किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं, जो कि बिल्कुल सही है। आप अपनी पावर में आ रहे हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, बॉस एनर्जी में आ रहे हो, जो करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो, उसको वैसे करोगे। और आपके मन में ये भी आ रहा है, जो जैसा मेरे साथ करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। हालांकि इस चीज़ को थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे ना ले जाएं, कि कई बार ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें कर देते हैं और हम जो है उन्हें सबक सिखाने के चक्कर में उन्हीं के लेवल पर ना गिर जाएं। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, जो गलत हैं, जो कह सकते हैं घटिया लोग हैं, जिनकी अच्छी नीयत नहीं है आपके प्रति, या आपको जो है वो दुख पहुँचाया, जो भी है वो उनका जो है कर्मा क्रिएट हो चुका है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें कभी कर्मा क्रिएट होके या झेलना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। हाँ, वो आपको पता चले या ना पता चले वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो है आप अपने ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैजिशियन का कार्ड आया है, जो जो सोच रहे हो, जो करना चाहते हो, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए एक्शंस ले रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं आपको शाबाशी देती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है, मून जो है फियर्स भी हैं आपके मन में, आपको अपनी इनर वॉइस भी आती है कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ या ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ या ये रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, जो भी आपकी सिचुएशन हो, जो भी आप सोच रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, लोगों की सोच, लोगों के आइडियाज सबके अलग अलग होंगे, तो जो भी आप सोच रहे हो उसमें जो है एक डर भी है कि अगर मैं फेल हुआ
तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा जो है वो बहुत सारा जो है वो क्रिटिसाइज करेंगे, या कुछ और भी डाउट हो सकता है, या अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है कि यार मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं सोच तो रहा हूँ या सोच तो रही हूँ लेकिन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये ऐसी एनर्जी है आपकी इस समय। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स है, फिर भी आप जो है अपने आप को बूस्टअप कर रहे हो, अपने मनोबल जो है वो बढ़ा रहे हो और एक्शन ले रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, न्यू बिगनिंग ले रहे हो, न्यू एक्शन को जो है वो स्पेसिफाइड वे में एक्शंस ले रहे हो। जैसे लाइफ में अगर मान लीजिए आपको न्यू गाड़ी सीखनी है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, जरूरी नहीं है सबके लिए रेजोनेट करे, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए। तो आप न्यू गाड़ी सीखना चाहते हो तो आप जो है ड्राइविंग स्कूल जाओगे, गाड़ी होगी आपके पास या उसकी गाड़ी में सीखोगे, ठीक है, वो जो है आपको कुछ एक्स वाई जेड स्टेप्स बताएंगे और उसके बाद जो है आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लग जाओगे तभी तो गाड़ी सीख पाओगे। इसी तरीके से आप जो स्किल सीखना चाह रहे हो, जो भी नई चीज सीखना चाह रहे हो या पुरानी चीज को भी कैरी ओवर करना चाह रहे हो, उसमें जो है फिनिशिंग या पॉलिशिंग चाह रहे हो, तो वो भी आप अच्छी तरीके से कर रहे हो। तो आपके अगर क्रिएटिव आस्पेक्ट्स हैं, हो सकता है म्यूजिक हो, डांस हो, कुछ और हो, कोई कंपटीशन हो, या टीवी सीरियल के जो कंपटीशन चलते हैं जो टीवी में आते हैं, कोई भी ले लो, मैं नाम नहीं लूंगी, तो उसमें से जो है आप वहां पे कंपटीशन देने जा रहे हो या पार्टिसिपेट करने जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की है, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो वहां पे जो है आप अपना बेस्ट दो। उसके बाद जो है किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गया, आपकी एनर्जी जो पहले थी कि आप थोड़ा सा डाउन फील करते थे, अब जो है आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो और आपको पता है अपनी कीमत, कीमत तब भी पता थी लेकिन इमोशंस जो थे वो थोड़े ज्यादा ओवरवेलमिंग थे, जो थे कह सकते हैं कि इमोशंस ज्यादा आप फील कर पा रहे थे, रैदर अब जो है आप उस चीज को पीछे खींच रहे हो, ठीक है। तो आप जो है जो भी आप काम करना चाह रहे हो या जो भी, जैसे मैंने कहा, जो भी आप चाह रहे हो, सबके अलग अलग आइडियाज होंगे, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे, तो उसमें जो है अपने जो कह सकते हैं कि एक्शन ले रहे हो और उसका जो है जवाब ढूंढना चाह रहे हो और उसमें जो है 200% लगा रहे हो, जो कि बहुत सही है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स है, अगर आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला था तो जो है मैं यही कहूंगी कि आपको जो है जो मेमोरीज हैं उसकी, अच्छी मेमोरीज को अपने साथ रखिए, बुरी मेमोरीज को नहीं। अब ये कहना इजी है, करना मुश्किल है, मैं समझती हूँ, लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगी कि जो इंसान आपके लायक नहीं है, मैं हमेशा एक ही एग्जाम्पल देती हूँ, जो इंसान आपके लायक नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके साथ जो है वो शादी हो जाती या जो भी आपका प्रस्पेक्टिव हो अपनी लाइफ में और वो आगे भी जो है कुछ इसी तरीके की हरकतें करता या करती, जो भी उसका जेंडर हो, तो उससे जो है आपकी शादीशुदा जिंदगी पर फर्क पड़ता, लेकिन उसने जो है अपने सही रंग या ट्रू कलर्स जो है वो पहले ही दिखा दिए, तो आपकी जिंदगी बच गई। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, बाकी आप खुद समझदार हो। मैं अभी कभी भी आपको जो है वो रीडिंग में कोई गलत ऐसी चीज नहीं बोलना चाहती हूँ कि जिससे आप प्यारी प्यारी बात तो सुन लो लेकिन उसको जो है इम्प्लीमेंट ना कर पाओ, तो आपको यही रखना है। हाँ, आपकी दोस्ती थी, आपका लगाव था, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन आपको जो है उसकी अच्छी मेमोरीज को रखना है, उन बुरे चीज़ों को जो है वो भूलना है, उसको इरेज करना है, उससे दूर हटना है, और वो जो है समय लगाएगा, हील होने में समय लगता है, हर इंसान को लगता है, जितना भी आपको समय लगे, कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक, लेकिन आपको जो है अच्छी मेमोरीज रखनी है, जो आपके भाई बहन हो, माता पिता हो, फ्रेंड सर्कल हो, कोई तो होगा ऐसा भी कि जिससे आपका लगाव हो और अच्छा लगाव हो, किसी ने आपको, ऐसे भी तो लोग होंगे जिन्होंने आपको धोखा नहीं दिया होगा, तो उनको जो है वो याद करिए, उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करिए, अपनी बाउंड्रीज को अच्छी तरीके से बनाइए। यहाँ पे बाउंड्रीज की सिचुएशन आ रही है, ये लोग जो पुराने थे जिन्होंने आपको हर्ट किया है, चाहे वो लोग हो सकता है चाहे वो परिस्थिति हो सकती है, तो बाउंड्रीज की वजह से जो है आप हर्ट हुए थे कि वो जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, उस चीज से जो है आप उबर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है फूल का काड़ा है, आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, जो आपके एम्बिशियस गोल हैं आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, इस तरीके से मुझे फीलिंग हो रही है कि आप जो है एक अननोन पाथ पे जा रहे हो, कि जो पाथ या रास्ता आपके पेरेंट्स ने या आपके दोस्तों ने नहीं उनको पता है, या अनट्रेडिशनल वे पे जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है एक ऐसा बिजनेस खोल रहे हो जो अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं हुआ है, जैसे कि एआई हो गया, या कह लीजिए ग्रीन एनर्जी की जो है वो गाड़ियाँ हो गई या और कुछ चीज़ें हो गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसमें जो है अभी तक फ्लरिशमेंट नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आपके पास एक विजन है कि मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ या ये मैं करना चाहता हूँ, तो आप जो है उसके लिए स्टेप्स ले रहे हो इस जनवरी। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रिस्टेस, अभी भी मैं यही कहूँगी आपको अननोन से थोड़ा डर है, आपको लग रहा है
कि यार जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं उसमें मैं सफल हो भी पाऊंगा या नहीं। मैं एक चीज कहूंगी, आप रिजल्ट जो है वो पहले एज्यूम कर रहे हो काम करने से पहले। वही एग्जाम्पल दूंगी जो मैंने अभी रीडिंग में दिया था कि अगर आपको गाड़ी सीखनी है तो आप ड्राइविंग स्कूल जाओगे, उसके जो भी जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो ए बी सी डी जो भी आपको बताएंगे कि स्टेप्स ये करने हैं। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि मैं जो हूँ गाड़ी किस तरीके से चलाऊं या कहाँ मोड़ना है या क्या एक्सेलरेटर देना है। उसी तरीके से लाइफ में भी है, आपको वही चीज करनी है जिस तरीके से आप करना चाहते हो। आप पहले स्टेप लीजिए, रिजल्ट जो है वो बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से सोचोगे मन में थोड़ी शांति रहेगी। आप जो है बहुत ही नेगेटिव साइकिल को छोड़कर पॉजिटिव साइकिल में आ रहे हो, न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हो। लाइफ में उन्हीं को रखो जो आपके लायक हैं और जो आपके लायक नहीं है। किसी ने भी जो है वो ड्रामा क्रिएट किया था, बहुत सारी गॉसिप की थी, बकवास की थी, गंदी बातें की थी, उन सबको पीछे छोड़ दो क्योंकि वो जो है आपके लायक नहीं है। आप एक प्योर सोल हो, सेंसिटिव पर्सन हो, तो उसी तरीके के लोगों के साथ रहो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फ्रेंडशिप। आपकी जिंदगी में फ्रेंडशिप आ रही है। अब ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है और लवर भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप किसको चाहते हो। अब सब मन में बोलेंगे कि भाई मुझे रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जो है इस समय अपनी घर गृहस्थी बना रहे हो या कैरियर बना रहे हो और आपको लगता है कि कोई सही इंसान जो है वो आपके सामने नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप फ्रेंडशिप में ही जो है बिलीव कीजिए। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। तो एक सही इंसान आपको अगर फ्रेंडशिप में भी मिल जाता है, रिलेशनशिप अभी तक उससे ना भी बन पाए, तो भी जो है आप अपने आप को खुश नसीब समझिए। आजकल अच्छे दोस्त भी मिलना बहुत कम हो गए हैं। नेक्स्ट आ रहा सर्विस। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आप जो भी काम करना चाहते हो तो लोगों के लिए करना चाहते हो या अपने लिए भी करना चाहते हो, तो उसमें भी जो है आपको लोगों से मदद मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा अबंडेंस। आई एम अ लिमिटलेस बींग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियालिटी। तो जो आपका डर है, आपको लग रहा है मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है। आप एक लिमिटलेस बीइंग है, आप जो चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं और आप अपनी जिंदगी में कर भी पाएंगे। और देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए, एडवाइस कार्ड्स हैं, यहाँ रख लेती हूँ मैं। पहला आ रहा है सेल्फ लव। अपने आप को लव करना सीखो। लोगों को तो लव किया आपने, उन्होंने जो है रेसिप्रोकेट नहीं किया, इसलिए जो है आपको प्रॉब्लम हुई। लेकिन आप अपने आप से भी उतना ही प्यार कीजिए जितना आपने उनको देने की इच्छा रखी। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, सेल्फ लव। आई ओपनली एम्ब्रेस अ फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। आई लव माई सेल्फ बिकॉज आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ एज द मोस्ट कमिटेड पार्टनर I will ever have. I show myself love any way that I can. When I screw up, I remember to be sweet, gentle with myself. If not, I am gonna make myself sleep on the couch. Got that self? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गलती भी की है, तो उसके लिए आपको सिर्फ पटकने की जरूरत नहीं है। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि कोई बात नहीं, मेरे से गलती हुई है, मैं अगली बारी नहीं करूंगा और उससे लर्न करूंगा। बस इतना ही करो, इससे ज्यादा जो है वो भागने की कोशिश मत करो। सब कुछ जो है वो अपने आप समय के साथ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है नो नीड टू डू। आई एम एग्जैक्टली वेयर आई नीड टू बी, एग्जैक्टली वेन आई नीड टू बी। देयर इज नथिंग मोर आई नीड टू डू। आई मीन येस, देयर विल ऑलवेज बी अ लॉन्ड्री एंड टैक्सेस, बट इन टर्म्स ऑफ माई लाइफ पाथ आई डोंट नीड टू डू एनी थिंग बिकॉज आई एम ऑलरेडी हेयर। आई टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड ट्रस्ट। तो यहाँ पर जो है आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी जिंदगी निकल गई, मेरी एज हो गई है, अब मैं क्या कर पाऊंगा। ऐसा भी अगर कुछ आ रहा है आपके दिमाग में, तो आप जो है वो ऐसी नेगेटिव बातें ना करें। आपका जो लाइफ पाथ है, आप बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर जा रहे हो। कोई भी जो इंसान है वो अगर ऐसा सोचता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए जो है वो सब कुछ छूट गया या खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। आप कभी से भी शुरुआत कर सकते हो और आप जो करना चाहते हो उसमें आपको जो है वो सक्सेस मिल रही है। थोड़ा सा अपने ऊपर भी विश्वास करो। चलिए देख लेते हैं जनवरी में आपके लिए क्या आ रहा है। तो आ रहा है मनी, पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रोस्पेरिटी, सेल्फ वर्थ। तो इस तरीके की चीजें आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है सोलर इक्लिप्स, न्यू बिगनिंग, फेट एंडिंग। तो आपको जो है लाइफ में इस तरीके की चीजें मिल रही हैं कि जिससे आपको मौका मिल रहा है कि आप जो है एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करो। नेक्स्ट आ रहा है वर्क स्मार्ट, स्टिक टू द बेसिक नीड्स व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग, पुट सम मनी असाइड, इट्स टाइम टू क्लीन हाउस पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू स्टार्ट विद क्लीन पैलेट। तो जो आपके साथ नेगेटिव चीजें हुई हैं सोसाइटी में हुई हो, जो भी आपके साथ रहा हो,
पेनफुल कंडीशन रही हो तो उसको जो है आपको हटाकर अपने ऊपर जो है वो फोकस करना है। नेक्स्ट आ रहा है डोज, अपॉर्चुनिटी, ट्रांजिशन, पैसेज। आप जो है वो न्यू चैप्टर पे खड़े हो या न्यू डोर पे जो है वो खड़े हो और आप अपनी लाइफ को बदलने वाले हो। नेक्स्ट आ रहा है स्वान, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्योरिटी। आपको जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आपको अपने आप में विश्वास करना है, किसी और पे नहीं निर्भर होना है, अपने ऊपर निर्भर होना है। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, बेटर कमिंग योर वे, एम्ब्रेस इट, समटाइम्स टू सी चेंज यू मस्ट चेंज। तो जो चेंजेस चाहते हो, जो चीज़ क्रिएट करना चाहते हो, वो जो है आपको मिल रही है, तो बस आपको एम्ब्रेस करना है और उसके लिए एक्शन लेना है। देखो दुनिया या कह सकते हैं आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक जो है लीफ आई है, एक मिनट मैं बताती हूँ, फिर आया है एक चंद्रमा आया है, मून आया है, पाइसिस एनर्जी है, एक हॉर्स आया है, एक फिश आई है, प्रॉस्पेरिटी को, पैसे को दिखाती है, और नेक्स्ट आ रहा है सेलेमेंडर आया, रीबर्थ है। आप अपने नेगेटिव साइकिल को छोड़कर रीबर्थ वाली सिचुएशन में आ रहे हो। पैसे की कमी थी तो वो जो है पैसे की कमी पूरी हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है संतुष्ट हो जाएंगे जनवरी में, नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक हॉर्स आया है, तो हॉर्स जो है वो स्पीड को दिखाता है, जो आपको अभी स्टक फील कर रहे थे कि मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, उसमें जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, धीरे आ रहे हैं लेकिन चेंजेस आ रहे हैं। जब आप साइकिल चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, कुछ भी होता है, तो शुरुआत में जो पिकअप होती है गाड़ी की, या कह सकते हैं जब आप एक्सेलरेटर दबाते हो, पैर से दबाओ, या फिर जो अगर हाथ में आप स्कूटर बाइक चलाते हो, जो भी है गियर डालते हो, तो पहला फर्स्ट गियर होता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जैसे आप स्पीड को गेन कर लेते हो तो दूसरे या तीसरे, जो भी सिचुएशन के हिसाब से हो, आप गियर बदलते हो। वही चीज़ लाइफ में भी है कि उसी तरीके से जो है आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ हो रही है कि आप धीरे धीरे पर्सपेक्टिव को चेंज करके आप उस मोड में आ रहे हो जिससे जो है आप तेज़ी से चीज़ें को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाओ। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मून आया है, अभी सब कुछ हिडन है, अननोन है, आपको भी नहीं पता है, यहाँ पे कार्ड्स भी नहीं दिखा रहे कि आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, लेकिन आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। और लास्ट है यहाँ पे एक लीफ आई है, लीफ जो है वो इसको रिप्रेजेंट करती है कि जिस तरीके से पतझड़ होता है तो उसमें जो पुरानी लीफ है वो हट जाती है और न्यू लीफ आती है। जब तक वो पुरानी लीफ नहीं हटेगी तब तक वो नया सवेरा या नया प्लांट जो है वो नहीं आएगा। उसी तरीके से आपको पुराने लोगों को छोड़ना है, कट ऑफ कर दीजिए, अपने सोशल मीडिया पे भी ना रखिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो या आपका मन जो है वो विचलित हो और आप जो है न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ पाएं। तो पाइल नंबर वन, ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। पाइल नंबर टू, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका जोडिक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं क्या लेकर आ रहा है जनवरी आपके लिए। कार्ड आ रहा है फोर ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं किंग ऑफ कॉइंस, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे पहले मैं आपको जोडिक साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको कैंसर, पाइसिस, जेमिनाय, वर्गो, टॉरस, केप्रिकॉन और स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप किसी चीज़ के प्रति या तो बोरिंग महसूस कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स जो है वो फोर्स कर रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, चाहे वो कैरियर हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है मैं ये अगर डिसीजन लेता हूँ या इन्होंने ऐसा कह दिया है तो उसमें जो है मुझे खुशी नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ये सिचुएशन है कि आप किसी चीज़ पे स्टक फील कर रहे हो, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अब वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सबकी एनर्जी कलेक्टिवली आ रही है, तो हो सकता है वो रिलेशनशिप से संबंध रखती हो या वो कैरियर से संबंध रखती हो, या आपने कोई कंपटीशन दिया है और उसमें जो आप सफल नहीं हो पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा तो सीट्स होती नहीं है, उसमें भी जो है कभी पेपर लीक हो गया कभी कुछ हो गया, तो ऐसी चीज़ें भी चलती रहती है। जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको जो है कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोस रहे हो या आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है इसलिए आप परेशान हो रहे हो।
कुछ चीज जो है वो आपको चिंता में रखे हुए है, ठीक है। अब वो हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, तो उस चीज से रेजोनेट करना। नेक्स्ट आ रहा जजमेंट आया। जजमेंट जो है वो इस चीज को दिखा रहा है कि आपको रियलाइजेशन है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, कि आपको रियलाइजेशन हो रही है कि ये चीज अगर ऐसे है भी तो क्यों मैं परेशान हो रहा हूं या हो रही हूं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ऐसा मन में आता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपका मन जो है वो पलट कर पीछे चला जाता है। आप जो है उसकी मेमोरीज से या उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। दोनों ही पाइल्स में आज इसी तरीके से जो है लगभग सिमिलर सी सिचुएशन आई है। तो अगर आप पाइल नंबर वन भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आप स्टक महसूस कर रहे हैं किसी वजह से। यहाँ पे मुझे कैरियर की ज्यादा चीजें दिख रही हैं या लग रही हैं, फील हो रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस। आप पैसे में बढ़ोतरी चाहते हो, बहुत समय से जो है आप काम कर रहे हो और लगभग उसी तरीके की लाइफ चलती आ रही है, पैसे में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो आप शौकिया चीज लेना चाहते हो या अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो वो चीज आपको नहीं मिल रही है, इस वजह से आप परेशान चल रहे हो। लेकिन नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपनी लाइफ में जो एडवेंचर लेकर चल रहे हो या जो लाइफ का एक बेसिक जो रूटीन है जिससे बोरिंग रूटीन कहा जाता है, उससे जो है आप कुछ नया करना चाहते हो। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो या कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हो तो जरूर खोलो, ये टाइम आपके लिए अच्छा है। अगर आप जो है सिर्फ ट्रैवल करना चाहते हो, बिजनेस नहीं खोलना चाहते हो या उससे रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं खोलना चाहते हो, तो वो भी जो है आप ट्रैवल करके अपने मन को जो है वो थोड़े समय के लिए चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप काफी लंबे समय से जो है कहीं बाहर ही ना गए हो, बेशक आप काम पे जाते हो या पढ़ते हो, लेकिन जो है आपकी ही जो सिटी है या कंट्री है या जहाँ पे भी आप रह रहे हो तो वहां पे ही जो है आप काफी समय से रह रहे हो, तो आपको कोई चेंज चाहिए। आपका मन जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा बोरिंग वाली एनर्जी में आ गया कि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। आप अपने काम से प्यार कर रहे हो, अगर आप न्यू बिजनेस खोल रहे हो तो वो जो है आप अपने काम से प्यार कर रहे हो, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वहां पे भी जो है आपको अच्छी न्यूज ही मिल रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा रिलीफ महसूस करोगे, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। जो आप काम करना चाह रहे हो जिसमें आप सोच रहे हो कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मैंने जो स्टार्ट किया है उसमें जो है मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हाँ मिलेगा, क्योंकि किंग ऑफ कॉइंस है, वो जो है आपको एक स्टेबल सिचुएशन तक पहुंचा देगा, जो आपके पैसे की सुरक्षा जो है वो करी जाएगी। तो इस तरीके से है, लेकिन पहले अपने मन को ठीक करो, क्योंकि आपको डिटर्मिनेशन जो है वो आपका लूज हो रहा है कि आप इतना काम कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, लेकिन जितने रिवॉर्ड उन्हें आपको मिलने चाहिए वो जो है नहीं मिल पा रहे। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है रिवर्स में। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप उसी की तरीके की रूटीन को जी रहे हो, तो बस उसमें मैं यही कहूंगी कि आप जो भी सिचुएशन है, आपकी परिस्थिति है, उसमें जो भी आप कर सकते हो, क्योंकि जो हम कर सकते हैं इंसान वही कर पाएगा, तो आप उसमें जो है थोड़ा सा चेंजेस जरूर लेकर आए। चाहे आप किसी और जो है स्टेट या सिटी ही घूमने चले जाए, चाहे 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, लेकिन आप जो है वो थोड़ा जो इनडोर जो जगह है, जैसे कि आपने सिर्फ काम किया, कंप्यूटर पे काम किया या जो भी आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, और वहीं पे किया, और आपकी जो इतनी लंबी जो साल है वो जो है लगभग ऐसे ही निकल रहे हैं। आप बाहर ही नहीं जा रहे हो, आप पार्क में घूमने नहीं गए हो काफ़ी दिन से, आपने जो है वो न्यू मॉल नहीं देखा है, या शॉपिंग करने नहीं जा रहे हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा सा चेंजेस अपनी रूटीन में लेकर आइए। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन है, वही मैं सिचुएशन कह रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंध से गए हो, आपकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, लेकिन इतना सा मैं कहूंगी कि जो आपकी जिंदगी में अभी हो रहा है, जो स्टक फील कर रहे हो या जो काम कर रहे हो, वो किसी उद्देश्य के लिए ही कर रहे होगे, उसमें जो आपको रिवॉर्ड मिल रहे, तो उससे जो है आप थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स है, एट ऑफ सॉर्ड्स है। अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ तो आपको जो है वो यहाँ पे लविंग वाइब्स मिल रही हैं, वो आपकी केयर कर रहे हैं, आप उनकी केयर कर रहे हो, आप उनका हौसला बढ़ा रहे हो, वो आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो अच्छी बात है। ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे तो कोई अगर हौसला नहीं बढ़ा रहा है तो भी घर में, परिवार में कोई ना कोई भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, या कोई और जो है फ्रेंड हो सकता है जो है आपको मोटिवेशन दे रहा है कि नहीं यार इतना भी बुरा मत सोचो, जो कर रहे हो करते रहो, बेशक मेहनत लग रही है, रिवॉर्ड अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम कर पा रहे हो। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप न्यू बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे वो जो है आप
क्रिएट कर रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ सॉर्ड्स है, जो एट ऑफ सॉर्ड्स है जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये हो गया वो हो गया लोग क्या कहेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब चीजों से ऊपर उठ रहे हो। आपको फोकस जो है वो अपने काम पे करना है या अपने रिलेशनशिप पे करना है। यहाँ पे रिलेशनशिप वाली वाइब्स नहीं आ रही है तो मैं जबरदस्ती जो है वो लव रीडिंग नहीं करूंगी। यहाँ पे कैरियर से संबंधित ही जो है वो आप काफी ज्यादा उथल पुथल में चल रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी है, जो सोच रहे हो जो करना चाहते हो उसमें आपको स्टेबल जो सिचुएशन है वो दिख रही है या मिल रही है। तो आपको बस स्टेप्स लेने हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना है और उसमें अपने मोटिवेशन जो है या डिटर्मिनेशन है उसको जो है वो कम नहीं होने देना, ये आपको ही करना है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो जो करेज है उसको कम नहीं होने देना, डिटर्मिनेशन को कम नहीं होने देना है। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस, आप अपनी हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, मैं रोज बेवकूफों की तरह मेहनत करता रहता हूँ, लेकिन आपको यही जो चीजें हैं वो बिल्डअप हो जाएंगी जब, तो आपको वो खुशी देंगी। आई एम अवेयर दैट बींग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो, बस आपको चलते जाना। और नेक्स्ट आ रहा है परसीवरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो जो आप सोच रहे हो और आप करना चाहते हो वो जो है आप क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड, टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स, लिटल थिंग्स, इवन वेन द बिग थिंग्स सक, देर आर ऑलवेज प्लेंटी ऑफ लिटल थिंग्स आई कैन बी एटलीस्ट अ लिटल ग्रेटफुल फॉर, लाइक हॉट शार्स, म्यूजिक एंड फैक्ट दैट ह्यूमंस इन्वेंटेड एन इंटरनेट एंड आई एम अलाउड टू यूज इट वेयर एवर वेन एवर आई वॉन्टेड, यूजिंग फिंगर्स एंड थम्स दैट डू वॉट एवर आई थिंक देम टू डू इज एन गिवन मोमेंट। और नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन टाइमिंग, इसमें डिवाइन टाइमिंग का खेल है, आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपके पास हो नहीं जाएगा। और हर इंसान को फ्रस्ट्रेशन होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप गलत सोच रहे हैं या मैं आपको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान को होती है, मुझे भी होती है, आपको भी होती है, लेकिन एक्चुअली में जो हमारा सही समय होता है वो जो है वो तभी उसका कह सकते हैं इम्पोर्टेंस पता चलती है जब वो हो जाता है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कह रही हूँ, Everything is timing, timing is everything. Gladly I release my concern over timing and let things happen when as they will. I trust that divine schedule makers know what they are doing. It can take a long time to reach divine middle management. तो यहाँ पे divine timing की चीज़ है, आप अपने काम करते रहो। Perseverance का भी कार्ड आया है तो उसको जो है वो लगे रहो, ऐसा मत सोचो कि कुछ हो गया है या कुछ नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। और नेक्स्ट है कि gratitude आ रहा है, जिस आप मेरी वीडियो जो है इस समय अगर देख रहे हैं तो इंटरनेट के थ्रू देख रहे होंगे, चाहे मोबाइल पे देख रहे हो, चाहे लैपटॉप पे देख रहे हो, चाहे कहीं और देख रहे हो, ठीक है। तो वो जो इंटरनेट है वो आपको अवेलेबल है, आप उतने पैसे दे पा रहे हैं या जो भी आपने प्लान लिया हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो इस समय जो है कहीं हॉस्पिटल में होंगे या वो लड़ाई लड़ रहे होंगे अपने डिजीज से, या कुछ लोग जो है वो रिफ्यूजी कैंप में होंगे जो दो वक्त के खाने के लिए परेशान हो रहे होंगे। तो इसलिए जो भी आपके पास है उसकी ना शुक्री ना करें, बस इतना ही मैं कहूँगी। और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, बस उसको जो है गिव अप नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सैंड ग्लास, टाइम, लाइफ फ्लो, एंडिंग। तो आप जो है वो टाइम की चिंता ना करो कि इतने समय में ये हो गया, इतने समय में वो हो गया, सबका टाइम आता है और ये चीज होती है। नेक्स्ट आ रहा है स्वैन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्योरिटी। नेक्स्ट आ रहा है बर्ड्स, लाइफ, होप, प्रोटेक्शन। तो होप रखनी है, उम्मीद को छोड़ना नहीं है, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ो। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, पैशन, लव, सेक्सुअलिटी। अगर आप इस चीज़ के लिए भी गिव अप कर रहे हो लव के लिए कि भाई कोई लव नहीं करता या मेरे तो ज़िंदगी में यही है बट नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें, तो ऐसा नहीं है, जब होना है तब होगा और आप उसे रोक भी नहीं पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है ऑफरिंग, यूनिवर्स विल मीट ऑल योर नीड्स, कंसीडर हैविंग अ मनी ऑल्टर, कॉल अपॉन योर एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स टू असिस्ट यू ड्यूरिंग टाइम। जब आपको डर लगे तो जिस भी इष्ट भगवान में या इष्ट देवता में आप मानते हो, जो भी आपका रिलीजन हो, तो आप उसको जो है उनसे मदद ले सकते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि यार डर लग रहा है और मेरा कोई साथी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ, हीलिंग प्रोफेशन, मेडिकल डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, मसाज थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, एनर्जाइज योर सेल्फ, फार्मासिस्ट। तो इस तरीके की हेल्थ भी जो है आपकी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो एक स्टार फिश आई है, हीलिंग एनर्जी हो रही है, आप हील हो रहे हो अपने अंदर से और
जो चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो जो है करेज के साथ कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है रैबिट आया है। रैबिट जो है वो इंटीमेट मूवमेंट्स को भी दिखाता है, आपकी फास्ट स्पीड को भी दिखाता है, लेकिन इम्पेशंस को भी दिखाता है कि रैबिट और टॉर्टोइस की कहानी सबने सुनी होगी। तो इम्पेशंस मत रखो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा काम है और ज्यादा हो जाएगा, आगे जो अचीव करना चाहते हो वो कर लोगे। नेक्स्ट आ रहा है टी एन केटली आई है। तो यहाँ पर जो है जो बिजनेस करना चाहते हो, कोई कोई भी चीज जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे वो कर पा रहे हो, तो उस पे जो है ध्यान दो और अपने एक्शंस को लगाए रखो। तो पाइल नंबर टू ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।